हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। दे तो गाइस, ये मैं छत पे आई हूँ तो देखिए कितना प्यारा व्यू। सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और यहाँ पे बाबू की मस्ती चालू है। यहाँ बैठे हैं, चाय पी लाई खा रहे हैं, तो मैंने बोला कि चाय ले लो, चाय पी लो। और यहाँ पतंग के चक्कर में बैठा है, बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाता है ये। अभी बुआ के यहाँ से आया तो इसका फिर नाटक वही शुरू हो गया, पतंग उड़ाने वाला। स्कूल भी बंद चल रहा है, ट्यूशन पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ के छत पे ही आ जाता है, पतंग उड़ाता रहता है। और इसके पास इसमें पतंग नहीं है, कट गई है, तो देख रहा है कोई पतंग आ जाए तो मैं उसको लेके काट के मैं उड़ाऊँ, वही देखता रहता है। अकेले ही ऐसे खेलता है और किसी के साथ नहीं खेलता। और बाकी बाबू है ना, उसके साथ शैतानी करेगा, बस इसका यही काम है। और खाने पीने पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता इसका, बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो देखिए कैसे बैठा है यार। तो आज ये अपने भाई का लोअर पहना हुआ है, तो देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए। पेड़ के पीछे सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और गाइस ये देखिए किस तरह से प्यारा सा व्यू, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए मेरा पैनल और ये वॉशिंग मशीन जो बेकार पड़ी हुई है, किनारे लगा दिया गया है, किसी काम का नहीं है, तो इसको साइड में रख दिया गया है छत पे ही। और यहाँ पे मैं टहल रही हूँ, तो अभी जाऊँगी, पोहा बनाना है मुझे नाश्ते में, तो वही अभी नीचे जाके पोहा बनाना है। बाबू धागा फेंका था वो पतंग उड़ा के, तो पैर में फंस रहा था। क्या मांग रहे हो? क्यों लड़ाई करते रहते हो तुम? ये लोग ना बहुत लड़ते हैं, लड़ते भी हैं, मिलते भी रहते हैं, बैठे रहते हैं साथ में, लड़ते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। देखिएगा अभी, देखिए तो गाइस यहाँ पे ये दो एक हफ्ते पहले का वीडियो क्लिप मैंने निकाला हुआ था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइस ये देखिए गमले में पापा जी ने ये प्याज लगाया था, तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई और बच्चे खेल रहे थे तो इसका वो टूट गया है, तभी मैं ध्यान से देखी तो मैंने सोचा ये जड़ जड़ क्या दिख रहा है, तो वही मैं निकाल रही हूँ इसको। तो देखा इसमें प्याज था, वाइट प्याज है। तो मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बोली कि ये दवा का काम में आता है, जैसे पैर वैर दर्द होता है ना, तो इसको लगाने से आराम मिलता है, तो वही मैं उखाड़ रही हूँ। मिट्टी पूरी सूख गई है तो उसी में चिपक गया है, तो निकल नहीं रहा, मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ, कोई चीज़ था नहीं उस टाइम पे। और टहल रही थी तो अचानक नज़र पड़ गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, अरे वाह ये क्या मिल गया, जैसे लगता है ये खजाना मिल जाता है, उसी तरह से मैं खुश हो गई, वाह ये क्या है। तो निकालने लगी तो ढेर सारा प्याज निकला और फिर इसको मैंने रख दिया, अभी रखा रख देती हूँ इसको, तो ये दवा के काम में आएगा, तो इसको मैंने अलग करके रख दिया, ये सब्जी के काम में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने हटा दिया इसको। अब रखा है तो इसका वो मैं छिलका निकाल रही हूँ, पूरी मिट्टी मिट्टी इसमें चिपकी हुई थी, तो वही निकाल रही हूँ, अलग कर ले रही हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइस लीजिए, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और बना रही हूँ पोहा। तो उसमें सरसों का तेल मैंने डाल दिया नॉन स्टिक में, और आलू छोटे छोटे कट करके मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई कर जब फ्राई हो करें तभी ये पका लेना चाहिए, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जानी चाहिए आलू। ये देखिए किस तरह से हो गई है आलू, एकदम फ्राई हो गई है ब्राउन कलर की, अच्छा लग रहा है। और फिर इसको मैं छान लेती हूँ, तेल से अलग कर लेती हूँ, और यही तेल जो बचा रहता है इसी में मैं मूंगफली डाल देती हूँ। कुछ लोग इसको बादाम भी शायद बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा ब्राउन ये हो जाता है, पक जाता है।
यहाँ पे मैं चूड़ा चूड़ा या पोहा जो भी आप बोलते हो, हम लोग चूड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको मैं भिगो दी हूँ पानी से। और यहाँ देखिए मेरी मूंगफली हो गई है, मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और जो तेल बचे हुए हैं इसमें नॉन स्टिक में, इसी तेल में मैं पोहे को बनाऊंगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल और नहीं डालूंगी। तो इसमें मैंने राई डाल दिया है, और थोड़ा जब ये चिटक जाए तो इसमें पोहा डाल देती हूँ, जो डाली जो भिगो के रखती हूँ। और थोड़ा मतलब मैं 5-3 मिनट पहले ही इसको भिगो के रख दी थी, तो थोड़ा ज़्यादा एकदम मुलायम हो गया है, तो इसको मैं मिला देती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको चला लेते हैं और फिर इसमें कुछ इस तरीके से, और ये जो लकड़ी वाला स्टिक रखा है इससे मैं चला रही तो सही से मतलब चला नहीं पा रही थी, इसको मैंने हटा दिया। तो फिर ये कलछे से इसको चलाती हूँ, और इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और नमक डाल देती हूँ। नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, कितना जो जितना जो जिसको खाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और इसको मैं मिला लेती हूँ इस तरीके से, पूरा हल्दी है मिल जाए पोहे में, अच्छे से पक जाए। फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी, और फिर इसको मिला के चला देते हैं। और इसमें डाल देते हैं फ्राई किया हुआ आलू और मूंगफली, तो इसको मिला देते हैं। छोटा पड़ गया था बर्तन मेरा, नॉन स्टिक छोटा पड़ गया था, तो देखिए बगल में गिर भी गया है। तो कुछ इस तरीके से मिला लीजिए आप, और फिर इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची। मैंने मिर्ची हरी मिर्ची नहीं डाली थी, हरी मिर्ची नहीं डाली थी, तो लाल मिर्ची डाल दी हूँ। और करी पत्ता भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास इस समय नहीं था तो मैंने नहीं डाला हुआ। और इसमें डाल देते हैं नींबू, नींबू को मैंने ऐसे ही डाला है निचोड़ के, ताकि ये जो उसके वो नहीं रहते दाने दाने वो भी चला जाए इसमें, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए किस तरह से बन गया, वाह। किस किस को पसंद है पोहा? हमारे यहाँ सबको नहीं पसंद है, बस हम खाते हैं हमारे क्या बच्चे और कर हमारे रहे हो? छोटे देवर। क्या हाँ मैक्स को बुला रहे हो? मैक्स को बुला रहे हो? इधर दिखाओ उसको, इधर दिखाओ इधर उसको, दिखाओ, इधर इसकी दिखाओ, आंखें अभी चमकेगी। इसकी आंखें अभी चमकेगी। मैक्स, मैक्स, ओमैक्स, 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 आरू कहाँ है? ओमैक्स, आरू कहाँ है? आरू आरू इतनी टाइम सो रही है? इतनी टाइम सो रही है? तो गाइस अभी 12-11:30 बज रहा था, मैं छत पे आई थी, तो ये देखिए किस तरह से चांद कितना प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसको भी बना लिया है वीडियो, और वीडियो को एंड भी कर देते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।